हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट कैन बी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास टेंथ में है 2024 का पेपर देने वाले हो, उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को गणित का एक वायरल पेपर बताने वाला हूँ। 822 DY कोड है, 100% आपके एग्जाम में पेपर आने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वीडियो में पूरा का पूरा मैं सोल्यूशन बताने वाला हूँ, पूरा पेपर का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि इस बार मुझे 70 में 70 नंबर चाहिए हर एक विद्यार्थी का। इस वीडियो को पूरा देख के जाना, इस पेपर को पूरा हल करके जाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गारंटी है मेरे की कोड आप लोगों के एग्जाम में आएगा 822 DY और 70 में 70 नंबर करके आओगे। देखो, यहाँ पे पहले अनुक्रमांक अपना डाल लेना, अपने प्रवेश पत्र पे होगा आपके अनुक्रमांक, के बाद यहाँ पे अपना नाम डाल लेना, ठीक है। और यह पेपर जो है मेरे प्यारे बच्चों, कितने नंबर का पेपर है? 70 नंबर का ये पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसको हल करने के लिए आपके समय कितने रहेंगे? 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। नोट में कुछ दिया है, नोट में बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब 15 मिनट में इस पेपर को आप पढ़ सकते हो। देखो, ये पेपर है बहुत ही ज्यादा वायरल पेपर है, पूरा का पूरा सोल्यूशन बताऊंगा, एक भी प्रश्न छोड़ने वाला नहीं हूँ, पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ। फिर बोला है निर्देश में पहला कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब जितना प्रश्न है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर बोला है कि इस प्रश्न पत्र के दो खंड हैं, एक तो खंड अ है जिसमें 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर ओ एम आर शीट पर आपको देना है। इसके बाद है पॉइंट चौथा कि ओ एम आर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। मतलब एक बार आपने जो रंग दिया उसको रंग दिया, ये नहीं कि उसको काटना नहीं है न तो मिटाना है। इसके बाद है कि खंड ब में 50 अंकों के संक्षिप्त उत्तर उत्तर प्रकार या वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे, मतलब 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे जिसका आंसर आपको कॉपी में लिखना होगा। इसके बाद है कि खंड ब में कुल 5 प्रश्न है, कितने प्रश्न? 5 प्रश्न है। फिर है कि प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। फिर है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है, मतलब हर एक प्रश्न के आगे बताया गया कि प्रश्न कितने नंबर का है। इसके बाद है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक जाइए, उस प्रश्न पर समय मत नष्ट कीजिए जो आप हल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहा है, जो प्रश्न आ रहा है पहले उसको कीजिए। चलिए देखते हैं, यहां से खंड अ स्टार्ट होता है पेपर। खंड अ में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जिसे हम बहुविकल्पीय प्रश्न बोलते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न पहला मेरे प्यार बच्चों क्या बोला है यहाँ पे? पहला प्रश्न यह है कि किसी धनात्मक पूर्णांक पी के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, ठीक है। ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी पी प्लस वन, ऑप्शन सी टू पी, ऑप्शन डी टू पी प्लस वन। मतलब कह रहा है कि पी का कौन सा वैल्यू मैं रखूं, पी का कौन सा वैल्यू रखूं, पी बराबर 0 रखूं कि पी बराबर 1 रखूं कि पी बराबर 2 रखूं कि पी बराबर यहाँ पे 3 रखूं, ठीक है। पी का कौन सा वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों रखूं, ठीक है, कि वहां पे जो संख्या प्राप्त होगी धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए। मतलब पी का कुछ भी वैल्यू रखने पे हमेशा हमें धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए, किस रूप का होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वो किस रूप का होगा? 2p+1 का होगा। यहाँ पी का वैल्यू कुछ भी आप रखिए, दुनिया का कोई भी वैल्यू धनात्मक रख दीजिए, 0 रखिए, 1, 2 रखिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितना भी रखिए, वो आपको हमेशा विषम पूर्णांक ही मिलने वाला है। P बराबर 0 रखिए, 0 रखेंगे तो 2 को गुणा 0 में करोगे तो 0, 1 जोड़ोगे तो 1, 1 क्या आपका धनात्मक विषम है। P की जगह 1 रखोगे तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 भी क्या है विषम पूर्णांक। P बराबर 2 रखोगे तो 2 दोनों के 4 एक 5, 5 भी क्या है विषम पूर्णांक, ठीक है। तो आपका डी वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना पूरी बात आपको? चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या है कि यदि द्विघात बहुपद आपको दिया है, ये द्विघात बहुपद है, कह रहा है कि इनके शून्यकों में एक शून्य का आपको दिया है कि -3 है तो k का मान है, ठीक है। अब कितना आसान है इस प्रकार के प्रश्नों को दे दिया, आप द्विघात बहुपद दे दिया और एक शून्य दे दिया कि -3 है, k का मान पूछ रहा है, तो जो शून्य देता है मेरे प्यारे बच्चों वही x की वैल्यू कहलाती है। मतलब x बराबर आपको -3 दे चुका है और k का वैल्यू पूछ रहा है, तो इस समीकरण को उतारिए, ठीक है। बहुपद क्या है? k-1, फिर बाहर है आपका x2, फिर प्लस में kx और +1, जहां पे भी x आएगा वहां पे -3 रख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका k-1, फिर कोष्टक बंद, फिर x2, x मतलब कि -3 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे k गुड़े, फिर x आ गया मतलब कि -3 रख दो और +1, ठीक है। अब इसको हल कर दो, तो हल करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो -3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 9, ये तो 9 आ गया। कोष्टक में आपका क्या है? k-1 है, ठीक है। फिर देखो यह प्लस है, प्लस को गुणा इस माइनस में करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? माइनस।
अब तीन को गुणा किए में करोगे तो तीन के और प्लस वन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है आप लोगों को बिल्कुल। चलिए लेकिन इतना याद रखो यहाँ पे दिया है कि शून्य को, एक शून्य दिया है ना, इसको जीरो के बराबर कर दो, जब शून्य ज्ञात करते हैं तो इसको जीरो के बराबर कर देते हैं, ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए जीरो के बराबर कर देते हैं। अब देखो नौ को गुणा के में करोगे तो नौ के माइनस नौ एकम नौ हो जाएगा माइनस तीन के और प्लस एक बराबर जीरो, कितना सिंपल है। अब देखो नौ के में से तीन के घटाओगे तो कितना बचेगा, छह के बच जाएगा, अब माइनस नौ और प्लस एक मतलब कि माइनस के आठ बराबर जीरो, अब यहां से हो जाएगा आपका छह के बराबर माइनस आठ उधर जाएगा तो प्लस आठ, यहां से आप के निकाल लो तो के बराबर क्या हो जाएगा आठ बटे के छह हो जाएगा, कटा दो, दो चौको आठ द्वितीय छह, तो के बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों चार बटे के तीन, और यही आपके के का वैल्यू है चार बटे के तीन। अब बस देखना कि ऑप्शन में चार बटे तीन दिया है कि नहीं, तो इसको साइड कीजिए और देखिए चार बटे तीन दिया कि नहीं, पहला वाला ऑप्शन ही चार बटे तीन दिया है, बिल्कुल यही हो गया राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। इतने ज्यादा सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, बस एक बार लगा कर गए होते ना पूरा करके आओगे, तो इस पेपर को पूरा हल कर लो, इसके बाद एग्जाम में पेपर आएगा पूरा सतर में सतर करके चले आना, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा प्रश्न देखो क्या है, तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों कि k के किस मान के लिए समीकरण युग्म जो है दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर पांच और चार एक्स प्लस के वाई बराबर दस के अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब देखो ये भी प्रश्न बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों, बस एक बार लगा के जाना, मैं बताता हूँ ना, एक बार बता दे रहा हूँ, इसके बाद प्रैक्टिस करके चले जाना। देखो तीसरा प्रश्न यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, आपको दो समीकरण युग्म दिया है, ठीक है, दोनों को पहले आप उतारो साइड में, इधर उतारो आप दो एक्स प्लस के तीन वाई बराबर पांच इधर उतार लो, ठीक है, इससे समीकरण पहला मान लो सिंपल, और एक दिया है आपको समीकरण क्या कि चार एक्स प्लस के वाई और बराबर आपको दिया है दस, ठीक है, ये समीकरण दूसरा मान लो, ये समीकरण युग में दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से ए वन बी वन सी वन निकाल लो, यहाँ से ए टू बी टू सी टू निकाल लो, तो यहां से निकाल लो ए वन, तो ए वन बराबर क्या आ जाएगा दो, इसी तरह यहाँ बी वन बराबर क्या आ जाएगा तीन आ जाएगा, और सी वन बराबर कितना आ जाएगा पांच, इतना तो कर लोगे। इसी तरह यहां से ए टू बी टू सी टू निकाल लो, तो ए टू बराबर कितना आ जाएगा चार, और यहां से बी टू निकाल लो तो बी टू बराबर कितना आ जाएगा के, और यहां से सी टू निकालू तो सी टू बराबर कितना आ जाएगा दस, बात खत्म। अब यहां से बोला मेरे प्यारे बच्चों अपरिमित रूप से अनेक हल, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध जो होता है मेरे प्यारे बच्चों उसे फॉर्मूला लिख लो, तो ए वन बटा ए टू बराबर होता है बी वन बटा बी टू के, और ये भी बराबर होता है सी वन बटा सी टू के, यह आपका क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध। अब कुछ करने की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों, वैल्यू बस रखना है, ए वन की जगह क्या रखोगे दो रखोगे, इसी तरह ए टू की जगह क्या रखोगे चार रखोगे बराबर, बी वन की जगह आप तीन रखोगे, बी टू की जगह यहाँ पे आप के रखोगे, और सी वन की जगह आप पांच रखोगे, सी टू की जगह आप दस रखोगे। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आप चाहोगे तो इतना में ही हल करके आप के का वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आपका के को गुणा दो में करोगे तो ये हो जाएगा दो के बराबर, चार को गुणा तीन में करोगे तो चार तिहाई बारह, फिर यहां से के निकालोगे तो के बराबर क्या आ जाएगा बारह और बटे के दो, और जब कटा दोगे मेरे प्यारे बच्चों तो के बराबर दो छके बारह, छह बार में कट गया तो के का वैल्यू कितना आ गया छह आ गया, यही के का वैल्यू हमसे पूछा था ना। अब ऑप्शन में ढूंढेंगे ऑप्शन तीसरे का, यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा छह। अब देखो कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, एक बार बस प्रैक्टिस करके जाओ और पूरे के पूरे क्वेश्चन करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देखो मेरे प्यारे बच्चों, यदि एक बटे एक्स स्क्वायर माइनस दो बराबर एक बटे सात, तो एक्स का मान पूछा है। ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जब एक बार इसको बता दूंगा ना तो इसके बाद फिर आप एग्जाम में एकदम हवा में उड़ाकर चले आओगे। अब चौथा प्रश्न देखो मेरे प्यारे बच्चों, दिया है आपको एक बटे में दिया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस के दो और बराबर में दिया है आपको एक बटे के सात, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। आप त्रिय को गुणा कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस दो को गुणा जब एक में करोगे तो उतना ही आएगा आपका एक्स माइनस दो ही आएगा बराबर, सात को गुणा एक में करोगे तो ये तो सात ही आने वाला है, तो आप करोगे क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर सात और माइनस के दो को उधर भेजोगे तो प्लस के दो आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर सात और दो जोड़ोगे तो ये आपका नौ आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से अगर एक्स निकालता हूं तो ये वर्ग है, उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है, तो एक्स बराबर वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस में निकलता है, और नौ का वर्गमूल कितना हो जाएगा तीन,
लो भाई एक्स का वैल्यू निकल गया प्लस माइनस 3, यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है प्लस माइनस 3, तो देना तो चाहिए, तो दे तो दिया, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया इसका। इतने ज्यादा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। आगे अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 5वां क्या है उसको भी हल करेंगे हम लोग। 5वां है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। अब देखो ये भी प्रश्न इजी है, कैसे लगाओगे, 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक सम संख्या कौन सी होती है? एक तो 2 होती है, इसके बाद 4 होती है, इसके बाद 6 होती है, इसके बाद 8। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या इतनी ही है। अब इनका समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? देखो समांतर माध्य यह कहता है कि जितने भी संख्या है उसको जोड़ो, तो मतलब कि 2 + 4 + 6 + 8 जितने भी संख्या उसको जोड़ दिया और कितनी संख्या उसका भाग दे दो, तो 1, 2, 3, 4 टोटल संख्याओं कितनी है, 4 है, उसका आप भाग दे दो। तो जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा 8, 6, 14, 4, 18, 2, 20 आ जाएगा। अब 20 में जब आप 4 का भाग दे देते हो तो 4, 5, 20 समांतर माध्य कितना आ गया, 5 आ गया। इतना ज्यादा सिंपल है। तो 5 का मतलब क्या होता है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत अब तक नहीं हुई होगी। चलिए आगे देखिए मेरे प्यारों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कह रहा है कि 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो कहलाती हैं। तो क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों? आकार समाप हो लेकिन अमाप समान नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं समरूप आकृतियां बोलते हैं। डी वाला ऑप्शन, जिन 2 त्रिभुजों में अगर आकार समान हो अमाप समान न हो उसे हम समरूप आकृतियां बोलते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हो। चलो आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7वां। देखो 7वां क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बिंदुओं 5, 0 और 1, -12, 0 के बीच की दूरी पूछा है। देखो ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो नहीं कर पाओगे, लेकिन एक बार बता दूंगा ना तो इसके बाद फिर आप लोग इसको आसानी से कर पाओगे। 7वां कल करता हूँ यहाँ पे, कह रहा है बिंदु, 2 बिंदु दिया है, एक बिंदु यह मान लो, एक बिंदु यह मान लो, क्योंकि 2 निर्देशांक दिया है तो इसको मिला देते हैं हम, ये आपका ए मान लेते हैं, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं। तो कह रहा बिंदु, इस बिंदु को ए मान लिया जिसका निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है 5, 0 और इसको हमने बी मान लिया जिसका निर्देशांक यहाँ पे दिया है 12, 0 दिया हुआ है। कह रहा बीच की दूरी बताइए, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब ए बी के बीच की दूरी पूछा है, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब तक याद नहीं रहेगा तब तक कर नहीं पाओगे। फॉर्मूला क्या होता है इसको याद कर लेना, x1 - x2 का होल स्क्वायर होता है और प्लस यहाँ पे आपका y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है, यह फार्मूला होता है। अब ये आपका x1 और y1 कहलाता है और यह आपका x2 और y2 कहलाता है। अब आपको बस वैल्यू रखनी है मेरे प्यारे बच्चों, जब वैल्यू आप नीचे रखोगे यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, तो x1 की जगह आप क्या रखोगे 5, ठीक है, और माइनस x2 की जगह आप क्या रखोगे -12, तो माइनस आएगा तो इसको प्लस कर देगा, तो ये +12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस y1 की जगह आप 0 रखोगे, अब माइनस y2 की जगह भी यहाँ पे 0 है, इसका होल स्क्वायर कर दोगे। जब इसको हल करोगे मेरे प्यार बच्चों तब 12, 5, 17 और 17 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 289 और इसका काम खत्म, क्योंकि 0 में से 0 घटाओगे तो 0, 0 का स्क्वायर करो तो 0 ही आने वाला है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब 289 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 × 17 लिख सकते हैं, तो दोनों को जुड़ा बन गया, 17 बाहर निकल जाएगा, 17 आ गया 17 इकाई, ठीक है। तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी कितना आ गया, 17 इकाई आ गया, कितना सिंपल है। अब 17 इकाई ऑप्शन में देखेंगे कि 17 दिया हुआ है, जरूर दिया होगा, डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक बार बस आप लगा के जाओ ना फिर पूरा का पूरा प्रश्न करके चले आओगे, एक भी प्रश्न छोड़ोगे नहीं, ठीक है। और मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ हर एक प्रश्न को, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर कर देना, लेकिन हालांकि मैं ऐसा बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद बोला है कि यदि 3 cot A = 4 तो sec A का मान होगा। अब मेरे प्यार बच्चों ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। 8वां प्रश्न क्या दिया है, बोला है कि 3 cot A = आपको 4 दिया हुआ है और इधर आपको पूछा है कि आप हमको बताइए कि sec A का मान कितना होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब कितना सिंपल है कि यहां से पहले आप cot A निकालो, जब यहां से आप cot A निकालोगे तो 4 ये 3 गुणा में उधर जाएगा तो 3 भागे में आ जाएगा, तो cot A का वैल्यू कितना आ गया, 4/3 आ गया, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पे cot A को क्या लिख सकते हो, cot A को हम लिख सकते हैं 1/10 A, फॉर्मूला होता है cot A = 1/10 A होता है, तो 1/10 A लिख दिया, इधर आपका क्या है 4/3 ही है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आपको? अगर मैं 10 A को ऊपर कर देता हूँ, 10 A को ऊपर
तो 10A ऊपर चला गया तो इधर आपका 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे 10A बराबर कितना आ गया 3/4। हमसे वैल्यू निकालना है सेक ए का। मेरे प्यारे बच्चों सेक ए का फॉर्मूला चलता है, सेक ए बराबर एक फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों करड़ी में, 1 + 10² a, यह फॉर्मूला होता है। इसलिए हमने 10 का पहले वैल्यू निकाला है ताकि मैं सेक ए आसानी से निकाल पाऊं। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा करड़ी में 1 + 10a का स्क्वायर कर दो, तो 10a का वैल्यू कितना आया है 3/4 आया है। तो 3/4 लिखकर इसका क्या कर दो आप स्क्वायर कर दो। जब इसका स्क्वायर करोगे मेरे प्यार बच्चों तो एक करड़ी में आ जाएगा आपका 1 + 3² 9 और 4² कितना होता है 16 होता है। जब इसको हल करोगे मेरे प्यार बच्चों तो कितना आ जाएगा 16 + 16 = 9 कितना होता है 25, 25 / कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो यहां से मेरे प्यार बच्चों सेक ए बराबर क्या आ जाएगा 25 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5 और 16 का वर्गमूल निकालोगे तो आ जाएगा 4। मतलब सेक ए बराबर कितना गया 5/4, यही आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे कि 5/4 दिया है कि नहीं, तो देखो जरूर दिया होगा 5/4, देखो बी वाला ऑप्शन। तो इतना ज्यादा आसान है मेरे प्यार बच्चों, एक बार लगा लिए ना इसके बाद एग्जाम में सब कुछ करके चले आओगे। 9 प्रश्न देखो मेरे प्यार बच्चों, 9 प्रश्न क्या है, 9 प्रश्न है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई जो है वो 20 करणी में 3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ये भी प्रश्न आसान है, मैं एक पेज ले लेता हूँ और बहुत आसान तरीके से इसको भी बताऊंगा, इस बताने के बाद भी ये आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, देखो 9 वाला प्रश्न मैं यहाँ पे हल करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे प्यार बच्चों कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 करणी में 3 मीटर है। देखो यहाँ पहली बात ये आपका जमीन है, ठीक है, और इस जमीन पे आपका मीनार खड़ा हुआ है, ये क्या है मीनार है। ठीक है, अब देखो मेरे प्यार बच्चों मीनार अगर ये इस तरह अगर मीनार ये खड़ी है, ध्यान दीजिए थोड़ा मीनार को मैं मोटा करता हूँ, ये मीनार खड़ा है तो मीनार अगर इस तरह खड़ा है तो परछाई इसकी ये बनेगी। ठीक है, तो मैं नाम रख लेता हूँ ए, इसका नाम रख लेता हूँ बी और ये आपका सी। ठीक है, तो बी सी तो मीनार हो गया जो कि हमको दिया है 20 मीटर ऊंचा, तो 20 मीटर ऊंचा मीनार की यहाँ पे क्या ऊंचाई है और उसकी छाया क्या है हमारे पास ए बी, ए बी छाया है जो कि दिया है 20 करणी में 3 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 करणी में 3 है, सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों जो नीचे से ऊपर देखा जाता है, मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है नीचे से ऊपर, ये कोण पूछा कि थीटा वाला कोण बताइए। अब देखो कितना आसान है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो आपको बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, तो बी सी बराबर 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, वही अगर हम ए बी की बात करें छाया की लंबाई, तो छाया की लंबाई दिया है 20 करणी में 3 मीटर। ठीक है, ये छाया की लंबाई हो गया, हमसे पूछा क्या थीटा की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, क्या लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब ए बी सी में क्या दिख रहा है आप लोगों को कि लंब दिया हुआ है आधार दिया हुआ है, तो लंब बटे आधार किसमें होता है टेन थीटा में, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या हमारे पास बी सी और आधार हमारे पास क्या है ए बी। ठीक है, अब देखो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे टेन थीटा की जगह क्या लिखेंगे थीटा, तो हमको ज्ञात ही करना है, बराबर बी सी का वैल्यू कितना है 20 और ए बी का वैल्यू कितना है 20 करणी में कितना है 3 है मेरे प्यार बच्चों। अब देखो 20 से 20 को क्या कर दो कैंसिल कर दो, तो ऊपर बच गया आपका 1, तो इसको हम लोग लिखेंगे टेन थीटा बराबर 1/ नीचे क्या हो जाएगा करणी में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे मेरे प्यार बच्चों टेन थीटा को रहने दो, इसी तरह टेन थीटा, अब 1/ करणी में 3 को हम लिख देंगे 10 30 अंश, क्योंकि 10 30 अंश का वैल्यू ही होता है 1/करणी में 3, तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल कर दो, थीटा बच गया, इधर आपका 30 अंश बच गया, यही थीटा का वैल्यू ज्ञात करना था। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना अंश आ गया 30 अंश आ गया। अब देखेंगे कि दिया है क्या, 30 अंश जरूर देना चाहिए इसको, देखो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया मेरे प्यार बच्चों। इतना ज्यादा आसान होता है, मैंने कहा था ना एक बार आपको बता दूंगा ना, इसके बाद फिर आप इसके एकदम जबरदस्त इसको सॉल्व करके एग्जाम में चले आओगे। 10वां प्रश्न देखो, द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविध कर है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों 10वां प्रश्न है, इसका हमें पूछा है विविध कर, अब विविध कर कैसे निकालेंगे, तो विविध कर का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप विविध कर नहीं निकाल सकते हो। तो विविध कर का फॉर्मूला होता है d = b² - k4ac, यह हमेशा याद कर लो, डी मतलब क्या होता है विविध कर होता है। ठीक है, तो यह विविध कर का फॉर्मूला है, हमसे विविध कर पूछा है, हमें करना क्या मेरे प्यार बच्चों यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालो, तो ए बराबर क्या आएगा, देखो ए बराबर x² का गुणांक होता है a, तो a बराबर कितना आ गया 3, वही b बराबर कितना आ जाएगा, b जो होता है x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक क्या है -k 6
और सी जो होता है वो अचर पद होता है, तो सी मतलब चार। अब यहां से जब आप ए बी सी के वैल्यू आपने निकाल लिया तो आप वैल्यू रख लो तो डी बराबर बी स्क्वायर, बी हमारे पास माइनस के छह, इसका आप स्क्वायर कर दो, फिर माइनस चार गुणे ए, ए मतलब तीन और सी मतलब चार, सी के वैल्यू चार ही तो है, तो हो जाएगा आपका डी बराबर माइनस छह का स्क्वायर करोगे तो छत्तीस, फिर हो जाएगा माइनस चार बारह, बारह चौक अड़तालीस, ठीक है तो अड़तालीस आ जाएगा, तो डी बराबर छत्तीस और माइनस अड़तालीस माइनस के बारह आ जाएगा, तो डी मतलब विभक्त कर कितना आ गया माइनस के बारह, देखो दिया है क्या ऑप्शन में माइनस के बारह, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है अब तक, नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 मेरे प्यारे बच्चों है कि त्रिज्या आर के एक वृत्त का कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब त्रिज्या आर के किसी एक वृत्त का कोण थीटा है, उसके त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो संगत चाप की लंबाई मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका कि थीटा बटे 360 टू पाई आर, ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, थीटा बटे 360 टू पाई आर, ठीक है इसको नोट कर लो, यह फार्मूला है, तब फार्मूला अगर पूछेगा तो सी वाला करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या है, प्रश्न नंबर 12। एक बटे दो सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक बटे दो सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मैं एक पेज ले लेता हूं तब इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये प्रश्न नंबर मैं 12 सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, अब समझो। अब देखो अर्धगोले की त्रिज्या व्यास आपको दिया है, देखो व्यास अगर आपको दिया हुआ है, व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं, व्यास अर्धगोले का दिया है एक बटे दो सेंटीमीटर, ये अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है और हमें अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात करना है आर, तो त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा होता है, तो व्यास हमारे पास क्या है एक बटे दो, इसका जब हम आधा कर देंगे तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एक बटे के चार सेंटीमीटर, ये हमारी त्रिज्या निकल गई, ठीक है। हमें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखिएगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3πr² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 3π और r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू एक बटे चार, इसको आप कर दो स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा आपका 3π और गुणे में एक का स्क्वायर एक और नीचे चार का स्क्वायर चार चौको 16 आ जाएगा, तो जब इसको हल करेंगे तो 3π को गुणा एक में करोगे तो आ जाएगा 3π और नीचे कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 16, ठीक है। जब इसको लिखेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा 3/16 πcm². तो पाई में ऑप्शन दिया इसलिए पाई लिखना, तो पाई का मान 22/7 लिखकर इसको कटा देता, लेकिन ऑप्शन में इसी प्रकार दिया है 3/16 πcm², ऑप्शन में दिखाता हूं आपको, देखो ऑप्शन इसी तरह दिया है 3/16 πcm², तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें ऑप्शन में भी देखना होता है कि किस प्रकार का ऑप्शन पूछा है, अगर पाई नहीं ऑप्शन में देता तो इसको 22/7 लिखकर हम लोग कटा देते हैं और क्या करते हैं, सिंपल है। आगे देखो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। अब प्रश्न नंबर 13 मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। अब कितना सिंपल प्रश्न दे दिया मेरे प्यारे बच्चों, समांतर माध्य का एक प्रश्न हमने कराया है आप लोगों को, ठीक है। तो देखो 13वां प्रश्न में यहाँ इसको सॉल्व करता हूँ, क्या है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य, तो सम संख्या 1 से 15 लिए क्या होता है 2, 4, 6, 8 फिर 10 फिर 12, 12 के बाद आ जाएगा आपका 14, ये आपका 1 से लेकर 10 तक की सम संख्या है, इसका हमें समांतर माध्य निकालना है। हमने अभी आपको बताया था समांतर माध्य क्या कहता है, समांतर माध्य कहता है कि दी हुई संख्याओं का योग करो, योग का मतलब कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 इसको जोड़ो, जोड़ने के बाद जितनी संख्या है उसका भाग दे दो, कितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात का टोटल भाग दे दो, तो जोड़ो मेरे प्यारे बच्चों, जब इसको जोड़ोगे तो 56 आएगा, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 56 और सात का जब भाग दोगे तो 7 × 8 = 56 और 8 जो आपका समांतर माध्य कहलाएगा, ऑप्शन में देना चाहिए इसको, अब दिया तो है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है 8 आ गया, सिंपल है। चलो आगे देखो अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है, प्रश्न नंबर 14 तो समझने वाली बात है, तुरंत आप लगाओगे नहीं तुरंत आसानी से कर पाओगे। कह रहा है कि एक साधारण पासे को एक बार फेंक कर
तीन से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कौन सी है? ठीक है, तीन से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता पूछ रहा है। अब यहां पे ध्यान से यूनिक चीजें समझने की बात है। कह रहा है कि एक साधारण पासे को एक बार फेंकना है, ठीक है, तो एक बार फेंकने पर तीन से बड़ी प्राप्त संख्या कौन होगी? तो पासा में या तो एक आएगा, या तो दो आएगा, या तो तीन आएगा, तो चार आएगा, तो पांच आएगा, तो छह। मतलब पासे को एक बार फेंकने पर सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है? तो सभी संभव परिणामों की संख्या छह है, मतलब छह आ सकता है, या तो एक आए, या तो दो आए, तीन आए, चार आए, पांच आए, छह। ठीक है, फिर कह रहा है कि तीन से बड़ी, यही समझने वाली बात है, तीन से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो तीन से बड़ी संख्या या तो चार आ सकता है, या तो पांच आ सकता है, या तो छह आ सकता है। तीन से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता इतनी तो है, या तो चार आएगा, या तो पांच आएगा, या तो छह आएगा। ठीक है, अब देखो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परमाणु संख्या कितनी है? एक दो तीन, टोटल कितनी है? तीन है, अनुकूल परिणामों की संख्या तीन है। अब हमको प्रायिकता निकालना है, क्या निकालना है? प्रायिकता, फॉर्मूला जानते हो ना आप लोग प्रायिकता की। तो प्रायिकता क्या कहता है? प्रायिकता कहता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? तीन, और बटे में सभी संभव परिणाम, तो सभी संभव परिणाम कितने हैं? छह, तो तीन बटे छह, तो तीन एकम तीन, तीन दूनी के छह, तो तीन एकम तीन, तीन दूनी के छह, एक बटे दो प्रायिकता है। सिंपल, कितना है? यूनिक है, बहुत सिंपल, बस समझने वाली बात है। इसका आंसर तो आप आसानी से कर पाओगे। चलिए मेरे प्यार बच्चों, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है कि दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका अंतर 2 है, तो संख्याएं होंगी। अब देखो ये प्रश्न कितना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैसे हल करेंगे इसको? प्रश्न नंबर 15 में यहां लिख देता हूं, प्रश्न नंबर 15 कह रहा दो संख्याओं का योगफल 8 है। ठीक है, तो मान लेता हूं कि दो संख्या, पहली संख्या को मैं मान लेता हूं एक्स और दूसरी संख्या को मैं मान लेता हूं वाई। तो दो संख्याओं का योगफल मतलब एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 8। इसको आप समीकरण नंबर पहला मान लो। फिर कह रहा उनका अंतर, मतलब अंतर की बात करें तो x माइनस वाई बराबर कितना दिया है? अंतर 2। इसको आप समीकरण दूसरा मान लो। तो कह रहा संख्या होगी, देखो एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो यहाँ पे जोड़ने पर, जोड़ने पे क्या होगा कि प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और एक्स एक्स मिलकर हो जाएगा 2x बराबर 8 और 2 मिलकर हो जाएगा 10। अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूं तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 10/2। 2 से कटाओगे तो 2 × 5 = 10। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 5 आ गया। अब इस x का मान समीकरण पहला में रख दो, समीकरण पहला में रखोगे तो x की जगह 5 रखोगे तो हो जाएगा 5 + y = 8। अगर मैं यहाँ से y निकालूं तो y बराबर क्या आ जाएगा? 8 + 5 उधर जाएगा तो -5। y बराबर क्या हो जाएगा? 8 में से 5 गया तो 3। तो x बराबर 5, y बराबर 3। ठीक है, तो x बराबर 5, y बराबर 3। तो x बराबर 5, y बराबर 3, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, x बराबर 5, y बराबर 3। है ना सिंपल? आप लोगों को सिंपल लग रहा है कि नहीं बताइए? अगर मैं बताऊं और सिंपल ना लगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, 16वां प्रश्न देखो, 16वां प्रश्न बहुत ही यूनिक है, इसको आप समझ लेना कि बिंदु -3.4 की एक्स अक्ष से दूरी, जब भी आपको एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो हमेशा वाई वाला आंसर होता है, तो y की वैल्यू क्या है? 4, तो 4 ही राइट आंसर होगा। अगर यही प्रश्न ये पूछ देता कि y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी हमेशा x वाला होता है, तो -3 हो जाता। ये आपने दिमाग में फिट कर लो कि x अक्ष से पूछे तो y वाला होगा, y अक्ष से पूछे तो x वाला होगा, मतलब सिंपल है, इसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर यहाँ पे 17 है। 17 मेरे प्यारे बच्चों की एक द्विघात बहुपद जिनके शून्य 5 और -3 है। ठीक है, आप देखो कैसे लगेगा यह, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों शून्य का आपको दिया है, एक शून्य 5 और एक आपका -3 दिया है। कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्य 5 है और एक -3 है। तो देखो एक शून्य को मैं मान लेता हूं अल्फा जो कि दिया है 5 और एक शून्य को मान लेता हूं बीटा जो कि दिया है -3। अब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद ज्ञात करने का कि एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, फिर यहाँ पे एक्स, फिर यहाँ पे होता है मेरे प्यारे बच्चों प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों और माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू 5 और बीटा का वैल्यू -3। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स, फिर यहाँ पे प्लस, फिर अल्फा मतलब 5 और बीटा -3। हो गया, हल करो, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5 में से 3 जाएगा तो 2 को गुणा एक्स में करोगे तो 2x, प्लस गुणा माइनस यहाँ पे गुणा कर लो तो हो जाएगा -15।
माइनस का 15 और जब इस प्लस में होगा तो हो जाएगा माइनस अपानते हैं 15, बात खत्म। यही आपका द्विघात बहुपद हो गया मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। लो इतना ज्यादा सिंपल है। तो जब भी द्विघात बहुपद पूछे तो ये आपको फॉर्मूला याद रहेगा तभी कर पाओगे। मैं इसको घेर देता हूँ, ये मेन फार्मूला है, इसको याद होना ही चाहिए आपको, तभी कर पाओगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर यहां देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है कि 2x प्लस 3y बराबर 18 और x माइनस 2y बराबर 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। तो एक तो दिया है आपको 2x प्लस 3y बराबर 18, इसे आप समीकरण पहला मान लो मेरे प्यारे बच्चों। एक दिया आपको एक्स माइनस 2y बराबर 2, इसे आप समीकरण दूसरा मान लो। देखो अब करना क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से x बराबर होना चाहिए या y बराबर होना चाहिए, दोनों में से कोई बराबर नहीं है। आप समीकरण दूसरा में 2 का गुणा कर दो, 2 का गुणा करोगे तो ये भी 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा। तो समीकरण 2 में 2 का गुणा करोगे तो ये तो हो जाएगा आपका 2x और माइनस 2 दुनी के 4y बराबर 2 दुनी के 4, ऐसे आप समीकरण नंबर 3 मान लो। अब समीकरण पहला और समीकरण तीसरा, ये भी प्लस 2x है, ये भी 2x है, समीकरण पहला में से समीकरण तीसरा घटा लो। तो यहाँ पे लिख लेना कि समीकरण एक में से अगर मैं समीकरण यहाँ पे 3 घटा लेता हूँ, ठीक है, घटा देता हूँ तो क्या होगा। तो समीकरण पहला क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 18 है, और तीसरा क्या है कि 2x माइनस 4y बराबर 4 है। घटाने पे चिन्ह चेंज हो जाता है, ये हो गया माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखिए प्लस 2x ये माइनस 2x कैंसिल, अभी आपका प्लस 4y ये प्लस 3y, तो 4 प्लस 3 7y बराबर 18 में से 4 घटाओगे तो आ जाएगा 14। ठीक है, अब कटा दो 7 दुनी के 14, तो y बराबर कितना आ गया 2, तो y बराबर 2 आ गया। और इसी y का मान मेरे प्यार बच्चों, इस y का मान समीकरण पहला में रख लो, तो समीकरण पहला में अगर रख देते हो तो हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 गुणे y, y की जगह क्या रखोगे 2 बराबर 18, तो आ जाएगा 2x प्लस 3 दुनी के 6 बराबर 18, तो ये तो हो जाएगा आपका 2x बराबर 18 प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस के 6, तो 2x बराबर 18 में से 6 जाएगा तो 12, 2 से कटा 2 6 के 12, x बराबर 6, तो x बराबर 6 y बराबर 2, तो x बराबर 6 y बराबर 2, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि यदि 2 cos 3 θ बराबर 1 तो थीटा बराबर क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ सॉल्व करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि 2 cos 3 θ बराबर आपको 1 दिया हुआ है, इधर आपसे पूछ रहा है कि आप हमें थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यारे बहुत आसान है, इसको सबसे पहले आप क्या करोगे कि cos 3 थीटा का वैल्यू निकालो, तो cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, और ये दुगुणा में उधर जाएगा तो 2 भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों कि cos 3 थीटा बराबर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 60 अंश लिख सकते हैं, क्योंकि cos 60 अंश का वैल्यू 1/2 होता है। तो इधर cos से cos कैंसिल, इधर बच गया आपका 3 थीटा बराबर 60 अंश। अब मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकालूं तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 60/3, कटा दीजिए थीटा बराबर 20/60, थीटा बराबर कितना आ गया 20 अंश। सिंपल है, देखिए ऑप्शन में दिया है 20 अंश, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। लो भाई अब आपका इधर आइए 20वां प्रश्न, देखिए बहुविकल्पीय का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हम लोग खंड ब करेंगे। ठीक है, आप देखिए 20वां प्रश्न क्या कहता है कि यदि किसी बारंबारता बटन का माध्य आपको दिया है 20.5, माध्यिका आपको दिया है 20, तो उसका बहुलक पूछ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों एक फार्मूला चलता है, और वह फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तब तक इसको हल नहीं कर पाओगे। फार्मूला यह है कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका और माइनस के 2 गुणे माध्य, यह फार्मूला चलता है। फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बहुलक, ठीक है, बहुलक हमको ज्ञात करना है, तो बहुलक की जगह मैं लिख देता हूँ बहुलक, क्योंकि हमको इसको ज्ञात करना है, बराबर 3 गुणे माध्यिका। माध्यिका कितना दिया है, माध्यिका हमको 20 दिया हुआ है, माध्यिका की जगह 20 माइनस 2 गुणे माध्य कितना दिया है 20.5 दिया हुआ है।
अब इसको हल करेंगे तो बहुलक को बी ही रहने दो, ये हो जाएगा 20 60 माइनस ये हो जाएगा 20.5 गुणा 2 में करोगे तो 20 40 से 41 41 आ जाएगा। तो बी बराबर बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 19, क्योंकि 60 में से 41 घटेगा 19 आ जाएगा। 19 का मतलब सी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये तो था मेरे प्यारे बच्चों खंड अ, जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जिनका उत्तर आपको कहाँ पे देना था, ओ एम आर शीट पे देना था, जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब हम लोग करने वाले हैं खंड ब, यहाँ से स्टार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों खंड ब। खंड ब 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न है जिन्हें हम लोग बहुत डिटेल से कॉपी में हल करना होता है, तो कॉपी में हल करके मैं बताऊंगा आप लोगों को। प्रश्न नंबर 21 स्टार्ट हो गया, कह रहा है कि सभी खंड कीजिए, मतलब जितना भी खंड क ख ग घ ड़ च दिया ना, इसको पूरा सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए मेरे प्यारे बच्चों क वाला करते हैं। क वाला दिया है कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है 2 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह के प्रश्नों को आपको देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर करणी में 3 वाला मैं बता दूंगा तो अगर आपके एग्जाम में करणी में 2 आएगा या करणी में 5 आएगा या करणी में 7 आएगा, सेम उसी को रूल को अपना कर आप आसानी से कर पाओगे। जहां पे करणी में 3 रहेगा वहां पे करणी में 2 5 7 लिखते जाएगा, स्टेप वही रहेगा, आसानी से कर पाओगे। चलो देखो एग्जाम में 2 नंबर के लिए आता है, कैसे करना होता है, क्योंकि कॉपी में लिखना होता है तो कैसे लिखोगे, पूरा डिटेल में लिखोगे तभी नंबर मिलेगा। ये नहीं कि आपको आंसर नहीं बताना है, पूरा डिटेल में लिख के दिखाना है। तो चलो मैं करता हूं यहां से, ये मैं करने जा रहा हूं 21 का क करने जा रहा हूं। देखो सबसे पहले बोला है कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है ना, इसको आप परिमेय मानो। कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे कि माना, आप लिखोगे इस तरह, कॉपी में इसी तरह लिखना है आपको, माना करणी में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जस्ट उसका उल्टा मांगोगे, ठीक है, परिमेय संख्या है, इस तरह आपको लिखना। पहली लाइनिंग आपकी यही होनी चाहिए, जब करणी में 3 को आप परिमेय संख्या मान लिया आपने, तो आप क्या लिखोगे कि करणी में 3 जो है वो परिमेय संख्या है, तो उसे कह दो कि वो a बटे b के बराबर है, क्योंकि a बटे b परिमेय संख्या होता है, a बटे b। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि जहां जहां a और b, जहां a और b स अभाज्य, जिस तरह लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों सेम इसी तरह एग्जाम में आपको लिखना है तभी नंबर मिलेगा। आप समझने के प्रयास कीजिए, जिस प्रकार मैं लिख रहा हूं सेम डिटो आपको उसी तरह लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तभी नंबर मिलेगा। अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं एवं, यहां लिखिएगा एवं बी जो है वो 0 के बराबर नहीं है, परिमेय संख्या यही ना कहता है, ए बटे बी के रूप में लिखा जाए, ए और बी सभाज्य होना चाहिए, सभाज्य मतलब समझ रहे हो, ए और बी का अगर मैं एचसीएफ लूं तो एक आना चाहिए, ठीक है, एवं बी जो है 0 नहीं होना चाहिए, यही तो कहता है परिमेय संख्या। यहां तक हो गया, इसके बाद ब्लैक पेन लीजिएगा, ब्लैक पेन, फिर ब्लैक पेन से आप लिखिएगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जिस तरह मैं लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों सेम उसी तरह लिखना है आपको, कोई बनाकर नहीं लिखना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, मैं खुद इतना आसान तरीका आपको बता रहा हूं, वर्ग करने पर। ये प्रश्न तो 100% आपके एग्जाम में आने वाले, ठीक है, 70 में 70 इस पूरा पेपर को हल करके आना है आपको। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करोगे तो इधर आपका करणी में 3 का वर्ग हो जाएगा बराबर, इसका वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा ए बटे बी का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग किए हो तो करणी में 3 का वर्ग करने पर करणी हट जाती है, तो ये तो 3 हो गया, अगर इसका वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा आपका ए का ए स्क्वायर, बी का करोगे वर्ग तो हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिक गुणा कर दो, 3 का गुणा बी स्क्वायर में करोगे तो आ जाएगा 3b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसे आपको समीकरण नंबर पहला मान लेना कि ये समीकरण आपका क्या है, पहला है। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद प्यार बच्चों लिखोगे कि चूंकि चूंकि 3 का जब बी स्क्वायर निकालोगे तो ये 3 भाग में चला जाएगा, तो लिखोगे चूंकि 3 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा विभाजित करता है, लिख दिया आपने। फिर लिखोगे आप इसलिए, इसलिए अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूंगा तभी वो विभाजित कर लेगा, तो लिखोगे इसलिए 3 जो है ए को भी
विभाजित करेगा, तीन ए को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, इतना लिख लिया आपने, खड़ी पाई लगा दीजिएगा, विभाजित करेगा। अब देखो यहां पे अगला चीज जो मैं कह रहा हूं उसको समझो, लिखेंगे तब, यहां तक नोट कर लिया आपने, फिर लिखोगे तब हम एक नियतांक मानेंगे, तब हम a बराबर 3m, a बराबर 3m लिख सकते हैं। हमने एक नियतांक माना कि 3 बराबर a बराबर 3m लिख सकते हैं। इसको हल करने का तरीका यही है मेरे प्यारे बच्चे, इसी तरह से डिट्टो हल किया जाता है, लिख सकते हैं जहां, यहां लिखोगे कि जहां m जो है कोई पूर्णांक है, m क्या है कोई पूर्णांक है, m कोई पूर्णांक है, यहां तक आपने कर लिया बिल्कुल, चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला पेज में लेता हूं, यहां तक कर लेना है, अब इसी के जस्ट नीचे लिखेगा, पेज मेरा भर गया इसलिए पेज में अलग ले रहा हूं। फिर लिखोगे चूंकि अब a का मान समीकरण पहला में रख देंगे, a का मान क्या रख देंगे समीकरण पहला में, लिखेंगे कि a का मान समीकरण पहला में रखने पर, बहुत डिटेल में बता रहा हूं, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर नहीं कटेगा। जब इस a का मान जो a माने हो इसका मान जब आप एक में रख दोगे तो ये हो जाएगा आपका 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, a का वैल्यू क्या है 3m, तो 3m का स्क्वायर, ठीक है। तो आगे हल करोगे तो आ जाएगा 3b स्क्वायर बराबर 3 का हो जाएगा 9m स्क्वायर, ठीक है। अब 3 से इस 9 को कटा दो, 3 बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका b स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर, और इसे आपको समीकरण दूसरा मानना है, क्या मानना है समीकरण दूसरा। अब यहाँ पे आगे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखोगे वहां तक नोट कर लेना, अब इसको मैं साइड करता हूं और इसी पेज के नीचे जस्ट बताता हूं आगे अब क्या करना है। लिखोगे चूंकि, फिर वही स्टेप, चूंकि 3 जो है बी स्क्वायर को विभाजित करता है, 3 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। आप लिखोगे 3 जो है बी स्क्वायर को विभाजित करता है, हो गया। फिर इसलिए, फिर लिखोगे इसलिए 3 जो है 3 बी को भी विभाजित करेगा, 3 जो है बी को भी विभाजित करेगा, यहां तक हो गया। चलिए फिर आगे क्या लिखोगे, यहां पे इतना जब हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, तब आपको लास्ट में चीज लिखना है, ये वाला लास्ट में मेन चीज ये है, लास्ट में आपको लिखना ही पड़ेगा इसे, क्या है कि समीकरण एक व समीकरण दो से, आप देखो मैं दिखा भी देता हूं, समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण एक देखो, समीकरण एक में था कि 3 जो है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर देता था, समीकरण बी जो है बी में 3 जो है बी को भी विभाजित कर देता है, ठीक है, इतना तो समझ गए। तो समीकरण एक और समीकरण दो से हम कह सकते हैं कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने शुरू में क्या माना था कि ए बटे बी जो है वो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कब रहता, जब एक गुणनखंड आता, लेकिन यहाँ पे तो 3 गुणनखंड आ रहे हैं, तो वही चीज लिखा है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई, अतः करणी में 3 एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। बस ये पूरा डिटेल में प्रूफ हमने बताया, कोई यूट्यूब पे आपको इतना बेहतरीन तरीके से नहीं बता सकता है, क्योंकि मुझे टॉपर बनाना है, आप लोगों को 70 में 70 लाना है, इसलिए मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, खवाला क्या है कि यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए जो कि 0 अंश से बड़ा होना चाहिए, 90 हो सकता है लेकिन 90 अंश से छोटा होना चाहिए। फिर बोला है कि a b से बड़ा होना चाहिए, तो बताओ a और b का मान क्या होगा, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों इसको हल करते हैं, इसके लिए मैं एक अलग सा पेज लेता हूं, ठीक है, ये वाला पेज ले लिया, अब देखिए कैसे हल करेंगे। तो अब यह है आपका 21 का ख मैं यहाँ पे हल करके दिखाने वाला हूँ आपको। अब बोला है यहाँ पे कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2,
तो यहाँ हम लोग नोट करेंगे कि साइन ए माइनस बी बराबर दिया है आपको एक बटे के दो, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग जब हल करेंगे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि साइन ए माइनस बी बराबर एक बटे दो को हम साइन तीस अंश लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि साइन तीस अंश का वैल्यू ही एक बटे दो होता है। अब यहां साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इधर आपका बच जाएगा ए माइनस बी बराबर कितना अंश, तीस अंश, ठीक है। और यह आपका कहलाएगा समीकरण नंबर पहला, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इधर आपको दिया है नीचे, अब लिखेंगे एक और दिया है कॉस ए प्लस बी बराबर एक बटे दो, तो नीचे हम लोग लिखेंगे कि कॉस ए प्लस बी बराबर दिया है एक बटे के दो दिया हुआ है ना। अब इसको हल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि कॉस ए प्लस बी बराबर एक बटे दो, एक बटे दो को हम कॉस साठ अंश लिखेंगे क्योंकि कॉस साठ अंश का वैल्यू एक बटे दो होता है। तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा आपका ए प्लस बी बराबर कितना अंश, साठ अंश। इसे आप समीकरण दूसरा मान लो, ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर दूसरा, क्लियर है यहां तक। चलिए अब समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ दो, तो यहां लिख देना कि समीकरण एक प्लस समीकरण दो, मतलब समीकरण एक और समीकरण दो को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो जोड़ेंगे समीकरण एक और समीकरण दो को, तो समीकरण एक क्या हमारे पास ए माइनस बी बराबर कितना अंश है, तीस अंश है, और समीकरण बी क्या है कि a प्लस बी बराबर कितना अंश है, साठ अंश है। और इसको हम लोग जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने पे क्या होगा कि माइनस के b और प्लस के b कैंसिल हो जाएगा, a a मिल के हो जाएगा आपका 2a बराबर 60 और 30 मिल के हो जाएगा 90 अंश। तो यहां से a निकालोगे तो a बराबर क्या जाएगा 90 अंश बटे में दो, ठीक है। जब इसको कटाओगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 45 अंश, क्योंकि 45 दुनिया के 90 होता है, ए बराबर कितना आ गया 45 अंश। अब इस ए का मान समीकरण दूसरा में रख लो, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, आपको एग्जाम में कॉपी पे लिखना है ना, तो सेम इस तरह लिखना पड़ेगा, ए का मान जिस प्रकार बता रहा सेम उसी तरह लिखिएगा, ए का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण एक में भी रखोगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ए का मान समीकरण दो में रखने पर, रखने पर, ठीक है। चलिए तो ए का मान समीकरण दो में रखने पर समीकरण दो क्या हमारे पास ए प्लस बी बराबर साठ अंश है, यही था ना समीकरण दूसरा, तो ए की जगह हम क्या रखेंगे 45 अंश, क्योंकि ए का वैल्यू कितना है 45 अंश और बटे बी बराबर कितना 60 अंश। तो अब यहां से मैं बी आसानी से निकल पाऊंगा, बी बराबर क्या हो जाएगा 60 अंश, और प्लस 45 उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस 45, तो बी बराबर क्या आ जाएगा 60 में से 45 जाएगा तो 15 अंश आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आपका आंसर मालूम चल गया, ए बराबर कितना आ गया, तो ए बराबर 45 अंश आ गया और बी बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 15 अंश आ जाना, यही आंसर होगा। अब देखो इसमें जो बोला था कंडीशन देखो, कह रहा है ए और बी का वैल्यू, तो ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू कितना 15, तो कितना आ जाएगा 4 × 5 = 60 अंश। तो देखो कह रहा है कि a प्लस बी का वैल्यू जो होना चाहिए 60 अंश आ गया, 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, और बोला है कि a बड़ा होना चाहिए b से, तो a 45 अंश है और b हमारा 15 अंश है, तो ये भी रूल फॉलो कर रहा है, मतलब बिल्कुल सही आंसर में किया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर होगा, यहाँ पे उत्तर लिख लीजिएगा कि ये आपका आंसर है, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए बिल्कुल, जब तक मैं आपको बताऊंगा 1% दिक्कत नहीं होगी, इस बात की मेरी गारंटी मान के चलो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए ग वाला, दूसरे का यहाँ पे ग, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जो मैं फॉर्मूला बहुविकल्पीय प्रश्न बताया था, देखो आ गया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल जो है -3 और 2 है। देखो शून्यकों का योग दिया है, गुणनफल भी दिया है, द्विघात बहुपद पूछ रहा है, ठीक है। देखो इसे कैसे हल करोगे, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर क्या है 21 का ग है, तो यहाँ पे हेडिंग डालो 21 का ग, और इसको एग्जाम में कैसे लिखोगे इस प्रश्न को, तो लिखोगे कि माना द्विघात बहुपद, यहाँ पे लिखोगे कि माना द्विघात बहुपद, क्योंकि कॉपी में करना है, जब तक इस तरह लिखोगे नहीं तब तक नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो माना द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद कुछ मान लेते हैं fx है, मान लेते हैं fx है, माना द्विघात बहुपद fx के शून्यक, शून्यक तो हमको मालूम नहीं है, हमको उसका योगफल और गुणनफल मालूम है, लेकिन हमें कौन सा शून्य को मालूम नहीं है, तो मानना पड़ेगा कि माना द्विघात बहुपद fx के शून्यक जो है अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, हमने मान लिया कि दो शून्यक हैं, एक अल्फा है और बीटा है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल और योगफल दिया है, तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा हमको दिया है कितना माइनस कितनी, और इधर गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल दिया है दो, ये दो चीज हमको दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद मतलब एफ एक्स का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हमने फॉर्मूला आपको शुरू में ही बताया था बहुविकल्पीय प्रश्न में कि अगर एफ एक्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, फिर यहाँ पे एक्स को गुणा करो माइनस माइनस कर रहा हूँ बीच में प्लस होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, यह फॉर्मूला होता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया यह फॉर्मूला रहेगा तभी आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हो अगर शून्य दिया है तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल कितना दिया माइनस के तीन, तो यहाँ पे लिख लो माइनस के तीन, और इधर एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल आपको दो दिया है, तो हल करोगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस में माइनस गुणा करोगे तो प्लस, और तीन को गुणा एक्स में करोगे तो तीन एक्स और प्लस के दो, यही आ गया आपका द्विघात बहुपद। मेरे प्यारे बच्चों यही होगा आपका उत्तर, यहाँ पे आप आंसर लिख दीजिएगा, पूरे के पूरे नंबर आपको दे दिए जाएंगे। तो ये होता है हल करेगा, इसी तरह एग्जाम में आपको इस पेपर को हल करना है, ठीक है जो बता रहा हूँ। चलिए आगे आइए और यहाँ पे देखिए घ, ठीक है 21 का घ, देखिए मेरे प्यारे बच्चों 21 का घ क्या बोल रहा है, 21 का बोला है कि सूत्र का प्रयोग करते हुए समीकरण 4x² + 3x + 5 = 0 को हल कीजिए। सूत्र का प्रयोग मतलब श्रीधाचार का नियम का प्रयोग करना है। आपको समीकरण क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ मैं लिख देता हूँ 21 का घ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो समीकरण आपको दिया है 4x² + 3x + 5 = 0 को हल करना है। अब हमें करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें ए बी सी के वैल्यू चाहिए, तो ए बराबर कितना आ गया 4 और बी बराबर कितना है 3 और सी बराबर कितना है 5, ए बी सी का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब लगाना है सूत्र, तो जब तक सूत्र नहीं मालूम रहेगा तब तक लगा पाओगे कभी नहीं। सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है कि माइनस के बी और प्लस माइनस करणी में बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में 2a, यह सूत्र कहता है। अब सूत्र में सिर्फ वैल्यू रखना है, तो सूत्र क्या है माइनस माइनस बी का वैल्यू कितना है 3, तो आप 3 लगाओगे, फिर बीच में आपका प्लस माइनस, फिर करणी में क्या आपका बी स्क्वायर, बी मतलब 3 का स्क्वायर कर दो, इसके बाद माइनस 4 गुणे ए का वैल्यू कितना है जी 4, सी का वैल्यू कितना है 5 और बटे में क्या है 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 4, ठीक है यहां तक हो गया। अब चलिए नीचे, नीचे जब हल करोगे तो हो जाएगा आपका माइनस 3 और प्लस माइनस करणी में 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, ये हो जाएगा 4 × 16, 16 × 5 कितना हो जाएगा 80 और 80 × 4 = 8, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3 प्लस माइनस करणी में यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 71 / 8। अब यही रुक जाइए, करणी में जब माइनस आ जाता है तो उसका वास्तविक मूल संभव नहीं होता, मतलब इसका मूल ही नहीं निकल सकता है जब करणी में माइनस आ जाए, तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी एग्जाम में नीचे कि दी गई समीकरण, नीचे आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा, यहीं तक रोकने के बाद आपको नीचे एक लाइन लिखना पड़ेगा कि दी गई समीकरण के वास्तविक मूल, दी गई समीकरण के वास्तविक मूल संभव नहीं है, बस काम खत्म, इतना लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस में वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, बस ये आपका यही तक छोड़ दीजिएगा, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा एग्जाम में चेक करेगा तो। चलो आगे देखते हैं, इसके बाद घ के बाद रड़ा वाला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किस प्रकार करोगे मेरे प्यारे बच्चों, देखो तो हल कैसे करोगे, 21 का रड़ है ना, 21 का रड़, ठीक है कैसे हल करेंगे, बेलन की त्रिज्या पहले आप लिखोगे यहाँ पे बेलन की त्रिज्या, एग्जाम में लिखने का फॉर्मेट क्या होना चाहिए मैं पूरा फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको, ये नहीं कि क्वेश्चन हल करा रहा हूँ, पूरा फॉर्मेट के तौर पे बता रहा हूँ किस तरह लगाओगे। तो बेलन की त्रिज्या आर बराबर दिया है आपको 7 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर लिखोगे बेलन की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ठीक है बेलन की ऊंचाई जो दिया है मेरे प्यारे बच्चों एच ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछा क्या है कि बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है तो यहाँ पे आपको लिखोगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलता है 2πRh, आपको लिखना पड़ेगा फार्मूला,
इसके बाद यहाँ पे लगाओगे तो क्या हो जाएगा, दो पाई का मान क्या लिखोगे, 22/7, आर त्रिज्या कितना है 7 और ऊंचाई कितना है 8, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 × 44 × 8, जब 44 मार्क पूरा करोगे तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकल रहा है, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह आपको एग्जाम में करना है, तब नंबर आपके पूरे दिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। फॉर्मेट होता है हल करने का, वही फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ मैं। इसके बाद है च, एक वृत्त जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये प्रश्न बहुत ज्यादा सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, उस करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ हल कर देता हूँ सिंपल से। ये है आपका 21 का च कर रहा हूं मैं, कैसे करोगे, एक वृत्त जिसकी परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर, तो परिधि वृत्त की, तो यहाँ पे लिखना है कि वृत्त की परिधि, एग्जाम में किस प्रकार सॉल्व करना है आपको, तो वृत्त की परिधि बराबर दिया है आपको 22 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, तो 2πr बराबर दिया है आपको 22 सेंटीमीटर, तो 2 से कटा 2, ठीक है, 2 से कट जाएगा तो 11 बार में, इधर पाई का मान रख लो 22/7, आई इंटू आर बराबर इधर हो गया 11, ठीक है। तो यहां से अगर मैं आपको 11 × 22 हो जाएगा, ठीक है, चलिए तो यहां से अगर मैं आर निकालूं तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2/7, ठीक है, 2/7 कह रहा हूँ, 7 उधर चला जाएगा ना, 7/2, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। तो ये आपकी क्या निकल गई, त्रिज्या निकल गया। यहां से हमें क्या बोला है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो यहां पे लिख लीजिएगा नीचे कि वृत्त के, यहाँ पे नीचे आपने लिखेगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त के चतुर्थांश, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसका चतुर्थांश मतलब 4 का भाग दे दीजिए सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 4 को आप लिख सकते हो इस तरह, 1/4, पाई का मान लिख लो 22/7, त्रिज्या आपकी निकली है 7/2 × 7/2, अब कितना आसान हो गया, देखो 7 से 7 कैंसिल, फिर 2 से कटा 2, 2 × 4, 2 से कट जाएगा 11 बार में, तो ऊपर बच गया आपका 11 × कितना बच गया 7, और नीचे 2 × 4 × 8, जब इसको हल करोगे तो 11 7 77/8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको भाग देकर लिखना चाहोगे तो दे सकते हो, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो आपकी मर्जी, दोनों में से कोई लिखो, आंसर है, क्लियर हो गया। तो च वाला भी हमने आपको बता दिया, तो देखो 21 वाला पूरा खंड हमने करके आपको दिखा दिया, 21 का पूरा खंड हमने यहाँ पे कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, च तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग 22 वाला कर रहे हैं, 4 नंबर वाले प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, 6 को खंड दिया है, 5 को हल करना है मेरे प्यारे, 4 4 नंबर के प्रश्न है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब देखते हैं 23 का क, ठीक है, ठीक है, 23 कह रहा हूँ, 22 का क, ठीक है, इसको मैं हल करता हूँ, 22 का क पहला प्रश्न है, यहां मैं हल करूंगा 22 का क, लेकिन पहले प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न क्या है, 4 नंबर के लिए प्रश्न है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग जो है 66 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर अगर यहाँ पे 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, प्रश्न कितने नंबर के लिए, 4 नंबर का है। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको करके आना ही एग्जाम में, छोड़िएगा मत। कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एग्जाम में जेन्युइन तरीका क्या होता है इसको हल करने का, वो बताने वाला हूं मैं। सबसे पहले लिखोगे कि माना, सबसे पहले क्या लिखोगे, माना, अब जिस प्रकार बता रहा हूं पूरा एकदम नोट कर लो, सेम उसी प्रकार एग्जाम में करके आना। माना 2 अंकों, माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या एक्स वाई है, 2 अंकों की संख्या एक्स वाई है, ठीक है, फिर लिखना तथा, क्या लिखोगे, तथा उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अगर अंकों को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई आगे आ जाएगा, एक्स पीछे चला जाएगा, तो वाई एक्स है। ये आपको पहला फॉर्मेट आपको यही लिखना है। अब यहाँ पे दोनों संख्या आप ज्ञात करोगे कैसे, देखो संख्या हमने पहले क्या माना है, एक्स वाई, जब हमने एक्स वाई माना है, इसको अगर संख्यात्मक रूप में लिखेंगे तो कैसा लिखा जाएगा,
तो इकाई में एक का गुणा करते हैं, दाही में 10 का गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10x+y। संख्यात्मक रूप से लिखेंगे तो यह इसको समीकरण पहला मान लो, और अंकों को पलटे हैं तो क्या होगा वाई एक्स। अगर इसको संख्यात्मक रूप से संख्या लिखा जाए तो इसमें 10 को गुणा करोगे तो हो जाएगा आपका 10y और प्लस एक्स, समीकरण हो गया आपका दूसरा। ठीक है, इसके बाद आगे क्या करोगे कि दिया है, क्या लिखोगे दिया है, अभी क्या दिया है प्रश्न में उसको पढ़ेंगे। तो प्रश्न में यह दिया मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बोला है क्या बोला है कि दो अंकों से बनी एक संख्या, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग जो है 66 है, मतलब जो संख्या ये दोनों प्राप्त हुई है इनका योग 66 है, मतलब इनको जोड़ने पे 66 आना चाहिए। तो हम लोग जोड़ देते हैं तो हो जाएगा आपका 10x+y और इधर हो जाएगा आपका प्लस 10y+x, जोड़ने पे कितना आना चाहिए 66, ये चीज दिया था हमको। तो 10x+1x मिलकर हो जाएगा 11x और प्लस 10y और 1y मिलकर हो जाएगा आपका 11y बराबर ये हो जाएगा आपका 66। क्लियर है, अब 11 दोनों में कॉमन मिल रहा है तो यहां से हमने 11 को कॉमन ले लिया और क्वेश्चन में बच गया x+y बराबर इधर बच गया आपका 66। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान तरीका है। इसके बाद देखो क्या करोगे, तो ये हो जाएगा आपका x+y बराबर 66, ये गुणा में तो आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 11 6 66 x+y बराबर क्या आ गया आपका 6 आ गया। इससे समीकरण तीसरा मान लो, ये समीकरण हो गया आपका तीसरा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक चीज और बोला था मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे तो संख्या 2 है, एक एक्स वाई है एक वाई एक्स है, तो यहाँ पे 2 केस बनेगा, केस यहाँ पे कितने बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों 2 केस। कह रहा है कि उसका अंतर जो है 2 आना चाहिए, तो अंतर 2 आना चाहिए। तो केस पहला ये कहता है कि अगर हम एक्स में से वाई घटा देंगे तभी अंतर मालूम चल जाएगा, जो कि क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। और एक केस दूसरा ये कहता है कि कोई जरूरी है कि हम एक्स में से घटाएं, वाई में से नहीं घटा सकते हैं, तो वाई में से एक्स घटाओगे तभी भी 2 आएगा, तो 2 केस बन गया ना। तो ये इसको आप समीकरण नंबर 4 मान लो और इस वाले को समीकरण 5 मान लो। ठीक है, अब हम लोग इस समीकरण पहला हल कर रहे हैं, या कोष्टक में लिख लेना, केस पहला हम लोग हल कर रहे हैं। कि केस पहला हल कैसे करेंगे कि हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 3 और प्लस समीकरण 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, समीकरण 3 हमारे पास क्या है x+y = 6 है, और समीकरण 4 हमारे पास क्या है x-y = 2 है। जोड़ने पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि प्लस वाई माइनस वाई दोनों कैंसिल हो जाएगा और एक्स एक्स मिलकर हो जाएगा आपका 2x = 6 और 2 हो जाएगा 8। एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा 8/2, कटा दोगे तो आ जाएगा 4, तो x = 4 आ गया। अब एक्स का मान मेरे प्यारे बच्चों समीकरण आप 3 में रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों लिख लेना नीचे कि एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखो, समीकरण 3 क्या था मेरे प्यारे बच्चों x+y = 6 था, तो x क्या रख दो 4, तो 4 + y = 6, तो y = 6 - 4, तो y = क्या जाएगा 4, 6 में से 4 जाएगा तो 2, तो y = 2 x = 4। तो एक संख्या जो हमने x और y माना था उसके हिसाब से संख्या कितनी आ गई 42, एक्स की जगह 4 वाई की जगह 2, तो एक संख्या तो 42 आ गया। इसी प्रकार आप लिख दीजिएगा, ज्यादा हल करने की जरूरत नहीं है, इसी तरह लिख लीजिएगा, आगे लिख लीजिएगा। इसी प्रकार केस दूसरा को हमने क्या माना था वाई एक्स माना था। ठीक है, वो संख्या क्या थी हमका वाई एक्स, वाई की जगह हम लिखेंगे 2, एक्स में 4, उसी प्रकार वो संख्या हो जाएगी 24। तो ऐसी कितनी संख्या, 2 संख्या, एक संख्या 24 है और एक संख्या आपकी क्या है 42 है। बस हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कितना आसान तरीके से हमने हल कर दिया। तो यह फॉर्मेट होता हल करने का। क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को क वाला? ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब आइए ख वाला प्रश्न क्या पूछा मेरे प्यारे बच्चों कि ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। ठीक है, वर्गों का योगफल 290 हो। देखो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 4-4 नंबर के लिए प्रश्न है, तो यहां मैं लिख देता हूं कि हम लोग कर रहे हैं 22 का ख वाला प्रश्न, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 22 का ख कैसे एग्जाम में करोगे कि ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एग्जाम में कैसे लिखोगे आप कि माना, एग्जाम में क्या लिखोगे
कि माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ठीक है। एक को हमने x मान लिया, एक क्या होता है x, और एक हो जाएगा आपका x प्लस दो ठीक है। इतना है, एक बात याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस दो है। अगर यहाँ पे सम धनात्मक पूर्णांक भी देता तो हम लोग सेम यही मानते हैं, x और x प्लस दो मानते हैं। तो हमने माना कि माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस दो है ठीक है। प्रश्न में क्या बोला है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। मतलब वर्गों का योगफल, मतलब x का अगर मैं वर्ग कर दूं और प्लस इधर आपका x प्लस दो का वर्ग कर दूं और इनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, योगफल 290 ये दिया है। अब इसे हल करते हैं, तो इसे x का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये आपका a प्लस b में टूट जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और प्लस 2a मतलब x b मतलब 2 बराबर 290 ठीक है। इस तरह जब इसको हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, x स्क्वायर मिलकर हो जाएगा इधर आपका 2x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और ये हो जाएगा 2 दूनी के 4x बराबर ये हो जाएगा 290। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 2x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका 4x मेरे प्यार बच्चों 290 उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा तो 286 और 286 जब इधर आएगा तो माइनस के 286 हो जाएगा। लो डायरेक्ट हमने कर दिया ठीक है, बराबर 0 बच जाएगा उधर। यहाँ तक चीजें क्लियर है ठीक है। अब देखो इसको और आसान बनाना चाहोगे ना तो 2 कॉमन ले लो, जब 2 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और 2 दूनी के 4x और 2 का भाग दोगे तो 2 कम 2, 2 चौक 8, 2 3 6 बराबर 0। तो ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो 0 ही आ जाएगा, बच क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस के 143 बच जाएगा। लो बहुत सिंपल हो गया ठीक है। अब मेरे प्यारों से फैक्टर करो तो इसका फैक्टर होगा ही नहीं, फैक्टर नहीं होगा तो इसको सूत्र के द्वारा कर दो। तो यहाँ a का निकालो, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 क्योंकि 1 यहाँ पे छिपा है, b का वैल्यू हो जाएगा 2 और c का वैल्यू हो जाएगा -143। अब यहाँ पे सूत्र लगा दो तो यहाँ पे सूत्र लिख लो, सूत्र मैंने बताया था ना अभी जस्ट सिद्धा चार वाला सूत्र। सूत्र क्या कहता है कि माइनस बी और प्लस माइनस करणी में होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 2a ठीक है। ये सूत्र होता है तो आप सूत्र में रख लो वैल्यू, माइनस तो सूत्र में तो माइनस रहने दो, b का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 रख लो, फिर प्लस माइनस करणी में बी स्क्वायर बी मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस 4 गुणे a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है माइनस 143 है और पूरे के पूरे बटे में क्या है 2a तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 है। जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और माइनस का गुणा जब इस माइनस में करोगे तो प्लस 143 गुणा 1 में करोगे तो 143 और 143 गुणा अगर 4 में करोगे तो 572 आ जाएगा, तो 572 और बटे में 2 को गुणा 1 में करोगे तो 2 आ जाएगा। अब नीचे इसे हल करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस के 2 और प्लस माइनस 572 में 4 जोड़ोगे तो 576 और बटे में क्या जाएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद हल करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा माइनस के 2 और प्लस माइनस 576 का वर्गमूल कितना होता है 24 होता है तो 24 और बटे में 2। तो यहाँ पे 2 केस बनेगा, पहली बात तो पॉजिटिव लेने पे, तो यहाँ लिख लेना पॉजिटिव लेने पे हो जाएगा माइनस 2 और प्लस 24 बटे में 2। तो इसे हल करोगे तो हो जाएगा आपका माइनस 2 और प्लस 24 मतलब 22 बटे 2। हल करोगे तो आ जाएगा मेरे प्यार बच्चों कितना 11। इधर आप x लिखते जाना, ax का वैल्यू आ रहा है ना, यहाँ पे x लिखते जाना, ax का वैल्यू आ रहा है तो x बराबर कितना गया 11। इधर लिख लो निगेटिव लेने पे, निगेटिव लेने पे x बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 2 और माइनस के 24 बटे में 2 तो x बराबर माइनस के 26 बटे में 2 कट गया तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 13 ठीक है। तो x बराबर 11 और x बराबर माइनस के 13 तो माइनस 13 आंसर तो होगा नहीं, जब भी होगा तो x बराबर 11 ही होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों हमने संख्या क्या माना था, एक संख्या हमने x माना था और एक हमने माना था x प्लस 2 तो x 11 हो गया, आ जाएगा 11 प्लस 2 बराबर 13
तो ऐसी दो संख्या है, कि 11 है, एक 13 है, बात खत्म, यह हल हो गया। क्लियर हो गया ना आप लोगों को? चलिए मेरे प्यार बच्चे, ये भी प्रश्न क्लियर हो गया ख वाला। अब देखिए आगे आइए, अगला देखते हैं ग वाला। ग वाला क्या कह रहा है? ग वाला कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिनका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। देखो ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इजी है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे इसको हल करेंगे, एक पेज ले लेता हूं मैं, बहुत इजी है, आसानी से इसको हल कर पाओगे। देखो ये प्रश्न हो गया आपका 22 का ग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है 22 का ग कह रहा, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 16वां पद 73 है। हमको दिया है, यहाँ पे लिखेंगे कैसे हल करेंगे इसको कॉपी में। सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, ठीक है, क्या दिया है भाई? हमको दिया है 11वां पद, ठीक है 11वां पद। 11वां पद कैसे निकलता है? तो 11वां पद कैसे निकलता है, ए प्लस 10 डी, मतलब इसका एक कम कर कूड़ा कर देते हैं, तो 11वां पद क्या आता है, ए प्लस 10 डी बराबर 11वां पद कितना दिया है, 38, ठीक है। तो 11वां पद 38 दिया, इसको समीकरण पहला मान लो। इसके बाद 16वां पद दिया है, 16वां पद, 16वां पद कैसे निकलेगा, ए प्लस 15 डी, 16वां पद कितना दिया है, 73, इससे आप समीकरण मान लो दूसरा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब क्या करोगे, समीकरण एक में से यहाँ समीकरण दो घटा दो, क्योंकि ए बी प्लस ए में है, प्लस में ए ए बी है, तो आप यहाँ पे लिखना कि समीकरण एक माइनस समीकरण दो, समीकरण एक में से समीकरण दो घटा दो। समीकरण एक क्या हमारे पास, समीकरण एक है हमारे पास ए प्लस 10 डी बराबर 38, ये आपका समीकरण पहला है। दूसरा घटाना है, मतलब ए प्लस 15 डी बराबर 73, ये समीकरण दूसरा घटाना है। घटाने पे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, चिन्ह जो होता है चेंज हो जाता है, ठीक है, चिन्ह जो होता है चेंज हो जाता है। चलिए चेंज कर देते हैं, ये प्लस है तो माइनस में, ये भी प्लस है तो माइनस में, ये भी प्लस है तो माइनस में, तो इधर प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 डी माइनस 15 डी हो जाएगा, घट के आपका माइनस 5 डी बराबर इधर 38, इधर माइनस 73, ये हो जाएगा माइनस 35। अब माइनस माइनस कैंसिल, बच गया डी, तो डी बराबर क्या जाएगा, 35/5, 5 × 7 = 35, तो उधर हो जाएगा डी बराबर 7। अब डी का मान आ गया 7, अब डी का मान समीकरण एक में रख दो, समीकरण दो में रखोगे तभी आ जाएगा, लेकिन आप एक में रख लो, लिखोगे डी का मान समीकरण एक में रखने पर, तो डी का मान समीकरण एक रखने पर, समीकरण एक क्या है, ए प्लस 10 डी बराबर 38, ठीक है यह है। अब इसमें रखोगे तो हो जाएगा ए प्लस 10 डी का वैल्यू कितना है, 7 बराबर 38, तो ए प्लस 7 दाम है 70 बराबर 38, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 38 - 70, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, घटा दोगे तो माइनस के कितना आ जाएगा, 32, ए बराबर माइनस के 32। हमको पूछा क्या था मेरे प्यारे बच्चों, हमसे पूछा 31वां पद, ठीक है, हमसे पूछा है 31वां पद, क्वेश्चन में हमसे पूछा था 31वां पद ज्ञात कीजिए, 31वां पद कैसे निकालेंगे, ए प्लस 30 डी, तो हो जाए एक वैल्यू माइनस 32 और प्लस 30 × d का वैल्यू कितना आया था, d का वैल्यू आया था 7, तो हो जाएगा माइनस 32 और प्लस 7 × 21 = 210, और जब माइनस 32 और प्लस 210 मतलब 178, तो 31वां पद क्या आ जाएगा, 178, यही हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। समझ आ गया ना आप लोगों को, प्रश्न में यही पूछा था कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, 31वां पद कितना, 178। क्लियर हो गया कि नहीं? बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखो घ वाला, इसके लिए मैं एक पेज ले लेता हूँ, ठीक है, इसके बाद इसको हल करता हूँ। क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या है कि चित्र में त्रिभुज ए सी बी, आप देखो ध्यान से, ए सी बी ये वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ए पी क्यू के, ए पी क्यू मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये वाला और ये वाला समरूप है, ठीक। कह रहा है कि बी सी बराबर 8, बी सी बराबर 8 दिया है सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 4, पी क्यू बराबर 4 दिया हुआ है, बी ए बराबर, बी ए बराबर आपको दिया है 6.5 दिया हुआ है, ए पी बराबर 2.8, तो ए पी बराबर ये वाला दिया है 2.8 दिया हुआ है, इसके बाद दिया है सी ए और ए क्यू का लंबाई, तो
तो सी ए मतलब इसका लंबाई बताओ, ए क्यू मतलब इसका लंबाई बताओ, ये चीज हमसे प्रश्न पूछा है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है। इसको हल कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसे ध्यान से समझो। जैसे कि एग्जाम में इसे कैसे हल करोगे, मैं थोड़ा इसको ढकता हूं पहले। यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर समझो, हम लोग यहाँ पे पहले एग्जाम में लिखोगे 22 का हम लोग घ कर रहे हैं। एग्जाम में लिखने का तरीका क्या है इसका वो पहले समझो। एग्जाम में हम लोग लिखेंगे कि दिया है, सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे कि दिया है। अब क्या दिया है इसमें मेरे प्यारे बच्चों, तो दिया है कि त्रिभुज ए सी बी जो है वो समरूप है त्रिभुज किसके, ए पी क्यू के। एग्जाम में लिखोगे, ठीक है, फिर लिखोगे चूंकि, लिखोगे चूंकि दोनों त्रिभुज समान है क्योंकि समरूप है, लिखोगे दोनों, क्या लिखोगे दोनों त्रिभुज। एग्जाम में लिखने का पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए तभी नंबर मिलेगा, यानी कि फालतू के प्रश्न मत सॉल्व करते चला जाओ, नहीं, लिखने का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। लिखोगे कि दोनों त्रिभुज समान है, दोनों त्रिभुज क्या है समान है, यहां तक हो गया, दोनों त्रिभुज समान है। फिर लिखोगे अतः, अतः उनकी संगत भुजाएं, जब दोनों त्रिभुज समान है तो क्या लिखोगे उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं एवं कोण, एवं कोण बराबर होंगे। जब त्रिभुज ही समान है तो संगत भुजाएं और कोण भी बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे। यहां तक पहले आपको लिखना है, जब लिख दोगे तब दोनों बराबर हैं तो संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर है। संगत भुजाएं का मतलब कि देखो हम लोग लिखेंगे AC बटे में AP, फिर लिखेंगे BA बटे में AQ, इधर ये वाली भुजा CB बटे में QP बराबर कर देंगे। तो यहां पे लिखिए, लिखेंगे इसलिए CA बटे में AP बराबर था किसके, BA बटे में AQ के, और ये भी बराबर था सी बी और बटे में क्यू पी के। ठीक है, अब मेरे प्यारे जो वैल्यू दिया था, यहाँ पे वैल्यू दिया बस लिखना है, तो मैं यहाँ लिखता चलता हूँ दोनों। देखो सी ए का वैल्यू हमको नहीं दिया था, पूछा था, तो सी ए बराबर, ए पी का वैल्यू दिया था हमको 2.8 दिया था बराबर, इधर बी ए का वैल्यू हमको दिया था 6.5 दिया था, और ए क्यू का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, और बराबर इधर दोनों वैल्यू दिया था, सी बी का वैल्यू 8 दिया था और क्यू पी का वैल्यू यहाँ पे 4 दिया था। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, एक बार इसके बराबर इसको कर दो, एक बार इसके बराबर इसको कर दो, निकल जाएगा आराम से। पहले हम लिखेंगे कि सी ए बटे 2.8 बराबर कर देंगे 8/4 के, और एक साइड इधर हम लोग क्या करेंगे कि 6.5/AQ जो है वो बराबर कर देंगे 8/4, दोनों को बराबर कर देंगे, निकल जाएगा। तो इधर अगर हम करते हैं तो सी ए, अगर मैं निकालू कि सी ए बराबर क्या होता है, तो सी ये दोनों गुणा हो जाएगा, मतलब 8 × 2.8/4, तो 4 × 2 = 8, सी ए बराबर क्या हो जाएगा 2.8 × 2 में करोगे तो 5.6 आ जाएगा। इधर इसका निकालू, अगर मैं ए क्यू निकालू तो ये दोनों गुणा में हो जाएगा, मतलब 6.5 × 4 और 8, तो 4 × 2 = 8, और 2 से कटाओगे तो ये हो जाएगा ए क्यू बराबर 2 × 6.2 × 4 और 2×5 = 10, ए क्यू बराबर 3.25 आ जाएगा। ठीक है, यही हमको दोनों चाहिए था, सी ए का वैल्यू और ए क्यू का वैल्यू चाहिए, बस हो गया आंसर। इतना ज्यादा सिंपल होता है मेरे प्यार बच्चों, क्लियर हो गया 22 का घ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए यहाँ पे अड़ाव पे, चलिए मेरे प्यार बच्चों अड़ाव वाला पे आते हैं। 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अनुमान कोण 30° और 60° है, मीनार की ऊंचाई बताइए। देखो इसके लिए मुझे चित्र बनाना पड़ेगा मेरे प्यार, कैसे हल करोगे वो देखते हैं। तो हल में क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, हल में सबसे पहले हम लोग यहाँ पहले चित्र बनाएंगे, इसके बाद सारी चीजें लिखेंगे। चित्र में हमको बोला है 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अनुमान कोण 30° और 60° है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक धरती हो गया, ठीक है, और यहाँ पे एक भवन हो गया 60 मीटर ऊंचा भवन, ये भवन हो गया 60 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और कह रहा है कि, और यह छोटा सा यहाँ पे मीनार हो गया, ये क्या हो गया मीनार। कह रहा है कि भवन के, देखिए बोला है ना 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, मतलब इसके शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष से, मीनार यह शीर्ष है, इसका यह शीर्ष, इसके शीर्ष से इसका शीर्ष का अवनमन कोण,
अवनमन कोड इस तरह होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला अवनमन कोड। अवनमन कोड कितना अंश है? 30 अंश है। चलिए एक काम तो हुआ। फिर बोला है पाद के अवनमन कोण, मतलब इसके पाद के अवनमन कोण, मतलब इसके शीर्ष से इस मीनार के पाद का अवनमन कोण, ये वाला मतलब ये टोटल पूरा अगर हम बात करें यहां से लेके यहां तक पूरा कितना अंश है? 60 अंश है। नाम रख लेते हैं, इसका नाम ए रख लो, इसका नाम पी रख लो, इसका नाम क्यू रख लो तुम, इसका नाम बी रख लो, और यहां से एक समांतर रेखा खींच लो, ठीक है, ये वाला बिंदु। अब देखो अगर ये 30 अंश है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वाला भी 30 अंश होगा, एकांतर अंतः कोण। अगर ये टोटल 60 अंश है तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों जो होगा कितना अंश को, 60 अंश, एकांतर अंतः कोण होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई मतलब ए बी की लंबाई बताइए, तो एग्जाम में लिखोगे कैसे? मेन मुद्दा है लिखने वाला, तो आप लिखना पड़ेगा। तो मेन मुद्दा लिखने वाला लिखोगे यहाँ पे कि माना माना 60 मीटर ऊंचे, माना 60 मीटर ऊंचे भवन, माना 60 मीटर ऊंचे भवन पी क्यू के शीर्ष क्यू से, अब लिखना पड़ेगा ना, पी क्यू के शीर्ष क्यू से मीनार, मीनार कौन, ए बी, मीनार ए बी के शीर्ष बी, मीनार ए बी के शीर्ष बी का अवनमन कोण, बी का अवनमन कोण, अवनमन कोण 30 अंश व ए का अवनमन कोण, ए का, अभी मैं ऊपर कर देता हूं, ए का अवनमन कोण 60 अंश है, 60 अंश है इस तरह। फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, अब हम लोग हल करने जा रहे हैं समकोण त्रिभुज किस में, पी क्यू ए में, पी क्यू ए में। अब ध्यान समझो, पी क्यू ए इस वाले त्रिभुज में, देखो इस वाले में क्या है आपका, इस वाले त्रिभुज में लंब आपको पी क्यू दिया है, और यहां से हमें क्या ज्ञात करना है, एपी ज्ञात करना है, तो लंब बटे आधार, ठीक है। तो इसमें हम लोग टेन थीटा लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, टेन थीटा। देखिए समकोण त्रिभुज पी क्यू ए, यहां से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, पी क्यू ए इस वाले त्रिभुज में ध्यान समझिए, लंब दिया है, आधार हमको निकालना है, ठीक है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, टेन, तो यहां पर लिखेंगे टेन थीटा, और टेन का वैल्यू 60 अंश, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में 60 अंश है, तो लिखेंगे टेन 60 अंश बराबर लंब, जो कि यहाँ पे पी क्यू है, और आधार यहाँ पे आपका क्या है, आधार आपका एपी, या इसको आप पी ए भी बोल सकते हो, पी ए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 60 अंश का वैल्यू क्या होता है, करड़ी में 3, और पी क्यू का लंबाई आपका 60 दिया है, और पी ए का लंबाई आपको ज्ञात करना है, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यार, तो 60, और ये भाग में आ जाएगा 60 करड़ी में 3 मीटर, बात खत्म। ये किसकी आ गया, पी ए की। तो एक चीज ध्यान देखो, जितना पी ए होगा, जितना पी ए होगा उतना आपका टी बी होगा, जितना यह होगा उतना यह होगा टी बी। तो हम लोग लिखेंगे कि टी बी और पी ए दोनों बराबर है, दोनों का वैल्यू कितना है, 60 करड़ी में 3, ठीक है, ये आगे काम आएगा, इतना करके छोड़ देना। इसके बाद इस वाले त्रिभुज में जाना, किस वाले में, क्यू टी बी वाला में, क्यू टी बी छोटा वाला त्रिभुज में जा रहे हैं, छोटा वाला त्रिभुज में। तो छोटा वाला त्रिभुज में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कि समकोण, समकोण त्रिभुज क्यू टी बी में, क्यू टी बी में फिर वही होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो क्यू टी बी में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। तो क्यू टी बी में क्या लिखेंगे, लंब, यहाँ पे 10 लगाएंगे, 10, लेकिन उसमें 30 अंश होगा थीटा की जगह, 10 30 अंश बराबर क्यू टी लंब, और आधार आपका क्या है, टी बी, टी बी आपका आधार है। तो ये हो जाएगा 10 30 अंश का वैल्यू 1 बटे करड़ी में 3 बराबर क्यू टी, ठीक है, क्यू टी का वैल्यू निकालना है हमें, क्यू टी, और टी बी का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 60 करड़ी में 3। तो अगर मैं यहां से सिर्फ क्यू टी का निकालू, क्यू टी बराबर क्या हो जाएगा, तो क्यू टी बराबर ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 60 करड़ी में 3 और गुड़े में 1 बटे 1 करड़ी में 3, ठीक है, क्यू टी का वैल्यू। तो क्यू टी का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे प्यार बच्चों, तो क्यू टी बराबर क्या आ जाएगा, 60 गुड़े 1 करो तो 60
कर्ण में 3 को गुणा कर्ण में 3 करोगे तो 3 कटा दो, क्यूटी बराबर क्या जाएगा 3 दुनी के 6, 20 सेंटीमीटर क्यूटी का वैल्यू आ गया। ठीक है, क्यूटी का वैल्यू देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्यूटी बराबर 20 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, आप देखिए चित्र में क्यूटी बराबर 20 सेंटीमीटर आ गया, और चित्र आपका ये है, तो क्यूटी बराबर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर आ गया, और 20 सेंटीमीटर कर रहा हूँ 20 मीटर आ गया। हमें मीनार की ऊंचाई चाहिए ए बी। ठीक है, ए बी जो है देखो ध्यान से, यहाँ पे ए बी जो है वो बराबर है किसके, टीपी के, इसके बराबर है। हमें निकालना है यहाँ पे टीपी, अगर निकल जाता है तो टीपी बराबर है ए बी के, तो आराम से निकल जाएगा। तो टीपी कैसे निकलेगा, तो टीपी निकलेगा यहाँ पे पी क्यू, क्यूपी जो लंबाई है क्यूपी, उसमें से आप टी क्यू घटा दो या क्यू टी घटा दो। ठीक है, तभी तो निकलेगा। तो यहाँ पे मैं घटा देता हूँ, ध्यान से समझो, तो यहाँ हो जाएगा टीपी बराबर क्यूपी जो कि लंबाई 60 दिया है और क्यूटी का लंबाई 20, तो टीपी बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 40। तो 40 मीटर। ठीक है, तो 40 मीटर यहाँ पे आपके आ गया टीपी, और वही टीपी जो है वो बराबर है ए बी के। ठीक है, ये वाला ए बी मीनार की ऊंचाई, तो ए बी बराबर भी कितना आ जाएगा, सेम उतना आ जाएगा 40 मीटर। बात खत्म, तो मीनार की ऊंचाई कितना आ गया 40 मीटर। ये रहा रियल आंसर आप लोगों का, बिल्कुल। अब मैं साइड करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप उसको उतार लीजिएगा दोबारा देखकर। इसके बाद आगे आइए, चा वाला है, निम्नलिखित बारंबारता बटन का समांतर माध्य 25 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कैसे लगाएंगे इसको मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न में क्या दिया था कि बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 दिया था, और पूछ रहा है कि पी का मान ज्ञात कीजिए। इस पी का मान ज्ञात करना है, कैसे लगाएंगे इसको देखो। सबसे पहले इसको हल करेंगे मेरे प्यार बच्चों, तो कॉलम बनाएंगे हम लोग, बनाए एक कॉलम, तो वर्ग अंतराल का बनेगा, एक कॉलम बनेगा वर्ग अंतराल का, बन गया। वर्ग अंतराल में लिखेंगे हम लोग 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, फिर 30 से लेकर 40, फिर 40 से लेकर 50। ठीक है, ये वर्ग अंतराल का है। इसके बाद कॉलम बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो अगला कॉलम बनेगा मध्यमान का, अगला कॉलम बनेगा मध्यमान का। ठीक है, मध्यमान को हम लोग बोलते हैं एक्स आई, क्या बोलते हैं एक्स आई, मध्यमान का। फिर अगला कॉलम बनेगा बारंबारता का, बारंबारता का। अब बारंबारता तो दिया है जिसे हम लोग एफ आई बोलते हैं, आप लोग भी जानते हो एफ आई, तो एफ आई क्या दिया, 5, 18, 25, यहाँ हो जाएगा 5, इसके सोजाई में हो जाएगा 18, इसके सामने हो जाएगा आपका 15, इसके सामने हो जाएगा पी, इसके सामने हो जाएगा 6। ठीक है, और अगला कॉलम बनेगा मेरे प्यारे बच्चों एफ आई इंटू एक्स आई, तो पहले हम लोग एक्स आई निकाल देते हैं। एक्स आई क्या होता है, मध्यमान, तो 10, 10 में 2 को भाग दोगे तो आ जाएगा 5, 20 और 10 30, 30 में अगर मैं भाग दे देता हूँ 2 का कितना जाएगा 15, अब 10 10 जोड़ते जाइए, 5 में 10 जोड़ गए तो 15, 15 में 10 जोड़ गए तो कितना जाएगा 25, 25 में 10 जोड़ गए तो 35, 35 में 10 जोड़ गए तो 45। ठीक है, तो यहाँ से एफ आई एक्स आई, 5 में 5 गुणा करोगे तो 25, 18 में जब आप 15 को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 270, 15 को गुणा जब 25 में करोगे तो आ जाएगा आपका 375, और 35 को गुणा पी में करोगे तो आ जाएगा 35 पी, और 45 गुणा जब 6 में करोगे तो 270 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो जाना चाहिए क्लियर। इसके बाद यहाँ पे योगफल निकालेंगे हम लोग, टोटल योगफल, तो योगफल इसका कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको निकालू सिग्मा एफ आई का, सिग्मा मतलब योग होता है, अगर मैं टोटल पूरा जोड़ू तो टोटल जोड़ूंगा तो आ जाएगा यहाँ पे 44 प्लस पी, जोड़ूंगा इसको 15, 18, 15 पी 6 को, तो 44 प्लस पी आएगा। अगर मैं इधर इसको निकाल दूं सिग्मा एफ आई एक्स आई, अगर मैं इसका टोटल निकालूं तो इसका टोटल आएगा मेरे प्यारे बच्चों 940 प्लस 35 पी आएगा। ठीक है, चलिए अब हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य मेरे प्यारे बच्चों, तो समांतर माध्य हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ज्ञात करना है कि हम लोगों को समांतर माध्य, तो फॉर्मूला आपको मालूम है, समांतर माध्य निकलेगा कैसे, सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे में सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो इसका दिया है कितना 940 प्लस 35 पी, और बटे में सिग्मा एफ आई का वैल्यू दिया है 44 प्लस पी, और समांतर माध्य तो हमको क्वेश्चन में ही बोल दिया था कि समांतर माध्य दिया था कितना 25, तो समांतर माध्य की जगह लिख देंगे 25। अब गुणा करो तो 44 प्लस पी का गुणा जब किस में करोगे आप, 25 में करोगे तो कितना आ जाएगा
गुणा करो 25 का गुणा 44 में करोगे कितना आ जाएगा, पूरा 1100 आ जाएगा। अब प्लस 25 गुणा पी में करोगे तो आ जाएगा 25 पी, ठीक है। इसके बाद यहाँ कुछ नहीं तो नीचे एक एक का गुणा करोगे तो उतना ही आएगा, 944 प्लस 35 पी आएगा। तो अब घटा लो तो इधर तो 1100 घट के आ जाएगा 940 इधर, इधर बच गया 35 पी, उधर जाएगा तो माइनस 25 पी। तो 1100 में से 940 घटाओगे कितना बचेगा, 160। अब 35 पी में से 25 पी घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 10 पी। तो 10 से कटा दो तो 10 एकम 10, 10 6 60, पी बराबर कितना आ गया 16। यही हो गया पी का मान 16, यही हो गया आंसर। बात खत्म मेरे प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न हो गया। चलो अब प्रश्न स्टार्ट होता है 23, लेकिन 23वां प्रश्न है 6-6 नंबर का। इसको मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा कल, क्योंकि इसको जब हल करूंगा तो 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो सिर्फ 6 नंबर वाला ही क्वेश्चन बच गया, मैं इसको किसी हालत में करा दूंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे 70 में 70 नंबर चाहिए किसी कीमत पे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यार बच्चों। और इस पेपर को पूरा तैयार करके जाना, आप लोगों को बता रहा हूँ 100% आपके एग्जाम में आने वाला है, तो जरूर से तैयार करना है आप लोगों को। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।